यूं तो कहने के लिए बिहार में सुशासन की सरकार है, और जो लगातार भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़े करते रहती थी कि बिहार में जंगल राज है और कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आई है तो 5 दिनों से बिहार में कोई काम ही नहीं हो रहा है। यूं कह ले कि बिहार का सचिवालय पूरी तरीके से ठप पड़ गया है। 5 दिनों से यहाँ पर ना कोई काम हो रहा है, ना कोई मंत्री है, और ना जो विभाग के अधिकारी हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि जब मंत्री ही नहीं है तो विकास का काम कैसे होगा। कहने को ले रही है 9 मंत्रियों ने शपथ भी ली है, लेकिन पोर्टफोलियो अभी तक जारी ही नहीं हुआ है कि आखिरकार किस विभाग में क्या काम होगा और कौन मंत्री वहाँ काम करेंगे। 5 दिनों से बिहार में एक तरीके से कहा जाए कि ठप है पूरा कामकाज विकास का। दरअसल अभी हम मौजूद हैं घंटाघर, जो कि सचिवालय कहा जाता है, और वहीं पर अब आप देखिए कि यहाँ पर ना तो एक फाइल आगे बढ़ रही है और ना ही किसी प्रकार का कोई काम हो रहा है। सरकार में सत्ता बदल गई, सत्ता के रहनुमा तो बदल गए, लेकिन सत्ता का मुख्य चेहरा वही जो लगातार पिछले कई सालों से राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर काबिज है, और वहीं नीतीश कुमार सत्ता बदली लेकिन राज्य में सुशासन से सरकार कही जाती है। लेकिन सवाल सीधा, पिछले 5 दिनों में मंत्री तो बन गए लेकिन मंत्री बेरोजगार बैठे हैं, सचिवालय में कामकाज ठप है, एक फाइल ना तो सचिवालय से निकल कर के कहीं जा रही है, ना ही विकास का कोई काम हो पा रहा है। लेकिन इतना ज़रूर है कि राज्य में सुशासन की सरकार है, क्योंकि यह बीजेपी राज्य में सुशासन की सरकार की धज्जियाँ उड़ाती थी, लेकिन अब सरकार में है तो कह रही है जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन विकास काज ठप है, इस पर विडंबना कहते हैं कि आखिरकार बिहार में कैसा सुशासन है। इससे दुखद आप समझ गए हैं कि पूरे सचिवालय में विकास का स्टाप है, मंत्री और बेरोजगार, इसकी पूरी कहानी बताएं। जो लगातार हम आपको ये पूरी कहानी बता रहे थे, यह सचिवालय है और सचिवालय में पूर्णतः काम ठप है, मंत्री ही नहीं है, और जो 9 मंत्रियों ने शपथ लिए हैं तो उनका पोर्टफोलियो भी जो है वो अभी बांटा नहीं गया है। देखिए गाड़ियाँ ऐसी लगी हुई है, बिहार सरकार प्रधान सचिव वित्त विभाग की गाड़ी लगी हुई है, ये तमाम जो गाड़ियाँ हैं वो यूं ही खड़ी हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। ये घंटाघर जो सचिवालय है उसमें किसी प्रकार का कोई काम नहीं हो रहा है फिलहाल, जो है वो बिहार में एक तरीके से कहें तो पूर्णतः विकास का काम ठप है, लेकिन उसके बावजूद भी बिहार में सुशासन की सरकार है। हालांकि विपक्ष भी इस पर फिलहाल अभी मौन है। क्या बिहार में सब कुछ ठीक होगा, या फिर सरकार बदल जाएगी, या जो सरकार बदली है तो वो काम काज करनी कब तक शुरू करेगी, ये देखने वाली बात होगी। वनीश फाउंडेशन के साथ नमस्कार।